बच्चों अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं आपका वही मतलब जो कल चल रहा था एनवायरनमेंट में हाउ हैव ह्यूमन बीइंग्स अडैप्टेड टू द एनवायरनमेंट टू फुलफिल देयर नीड्स। कल हमने चैप्टर पूरा कर दिया था, ये लास्ट क्वेश्चन था, मैं मतलब जो मतलब चैप्टर में से ये एक क्वेश्चन था, फिर मैंने इसी पे एंड किया था। आज हम कर रहे हैं हाउ हैव ह्यूमन बीइंग्स अडैप्टेड टू द एनवायरनमेंट टू फुलफिल देयर नीड्स। हम ह्यूमन बीइंग्स ने, हम इंसानों ने खुद को कैसे ढाला है अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम द अर्ली टाइम्स हैव बीन इंटरैक्टिंग विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाइंग इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ह्यूमन बीइंग्स शुरू से ही वो लोग एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं और अपने आप को मॉडिफाई करते रहते हैं मतलब नीड्स के हिसाब से। दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड। ह्यूमन बीइंग्स पहले क्या करते थे, एक सिंपल जिंदगी जीते थे और जो भी चीजें उन्हें नेचर देती थी वो लेके गुजारा करते थे फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, बट देयर नीड्स केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। पर दिन ब दिन हमारी क्या हुआ, जरूरतें बढ़ती गई। टू फुलफिल दीस वेरिएड नीड्स ह्यूमन लर्न टू ग्रो क्रॉप्स। ये जो हमारी अलग अलग जरूरियातें थी इनको पूरा करने के लिए हमने नई नई चीजें सीखी, जैसे कि ग्रो क्रॉप्स, ठीक है। द व्हील वॉज इन्वेंटेड और फिर व्हील बना, ठीक है, व्हील वॉज इन्वेंटेड, व्हील बना। बार्टर सिस्टम इमर्ज, बार्टर सिस्टम मैंने आपको समझाया था, वो सिस्टम जिसमें चीज के बदले चीज दी जाती। बार्टर सिस्टम एक पुराने जमाने का ऐसा सिस्टम है, जैसे मुझे कोई चीज चाहिए तो मैं बदले में आपको चीज के बदले चीज एक्सचेंज करूंगी, ठीक है। मैं आपको मतलब पैसे नहीं दूंगी, हम मुझे आप मतलब तब पैसे थे ही नहीं ना, पुराने जमाने पैसे थे ही नहीं। जैसे मुझे गेहूं चाहिए, आपको चीनी चाहिए, तो अगर मेरे पास चीनी होगी तो मैं चीनी दूंगी, आपके पास गेहूं होगा तो मैं आपसे गेहूं लूंगी। ऐसे जो तेरे पास है वो मुझे दे दे, जो मेरे पास है वो तू ले ले, ऐसे एक्सचेंज, उसे बार्टर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप, ठीक है, ट्रेडिंग चालू हो गई, कॉमर्स मतलब स्टार्ट हो गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मेड पॉसिबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से बहुत बड़ी स्केल पे प्रोडक्शन भी होने लगा, बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस होने लगी। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन इजियर, फिर इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन आया। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन का मतलब मोबाइल, लैपटॉप्स, इंटरनेट, ठीक है, इन सब चीजों की वजह से कम्युनिकेशन आसान हो गया एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, और सब एकदम झटपट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग्स ने ऐसे अपने आप को डाला, मतलब शुरू में वो लोग उनको जो मिलता था नेचर से वो ले लेके अपनी लाइफ सिंपल लेड करते थे। फिर जैसे जैसे आगे बढ़े उनकी जरूरतें बढ़ी, फिर उन्होंने क्रॉप्स उगाना सीखा, फिर व्हील का इन्वेंशन हुआ, उन्होंने भाई गाड़ी आई, ट्रांसपोर्ट आया, ठीक है। तो इस तरह से मतलब इंसान ने अलग अलग तरह से अपनी इस तरह से जरूरियातें पूरी की। हाउ हैव ह्यूमन बीइंग्स अडैप्टेड टू द एनवायरनमेंट टू फुलफिल देयर नीड्स, तो ये सारा आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा अब हम आपका एक्सरसाइज कर लेते हैं, आपकी ये जो जियोग्राफी के चैप्टर वन एनवायरनमेंट की एक्सरसाइज है, पेज नंबर 6 है, ठीक है, पेज नंबर 6 पे आपकी एक्सरसाइज है। उसमें क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन वन का वन व्हाट इज एन इकोसिस्टम, ये मैंने आगे लिखवा दिया है। उसका 2 नंबर है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट, वो भी मैंने लिखवा दिया है। थर्ड नंबर, विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की मेजर चीजें क्या है वो भी मैंने लिखवाया है। फोर्थ, गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, ठीक है, इसका आंसर लिखो। फोर्थ का गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, क्या है आंसर, बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, ठीक है, क्या क्या है, बिल्डिंग, पार्क, ब्रिजेस और रोड्स, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ नंबर, व्हाट इज लिथोस्फीयर, वो भी हमारा हो गया था। सिक्स्थ है, विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट, बायोटिक एनवायरनमेंट की 2 मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। व्हाट इज बायोस्फीयर, वो भी हमने आगे कवर
कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन टू, टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको करेक्ट आंसर टिक करना है। फर्स्ट, विच इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, एमसीक्यू है, इन तीनों में से सिलेक्ट करना है, ए डेजर्ट, बी एक्वेरियम, सी फॉरेस्ट। तो इन तीनों में से कौन सा इकोसिस्टम नेचुरल नहीं है? नेचुरल मतलब कुदरती, तो डेजर्ट तो देखो कुदरती है, मतलब डेजर्ट रेगिस्तान कुदरती होते हैं। बी एक्वेरियम, एक्वेरियम क्या होता है? फिश का टैंक जो हम बनाते हैं, फिशेस के रहने की आर्टिफिशियल जगह। सी फॉरेस्ट, जंगल भी कुदरती है। तो व्हाट इज नॉट अ नेचुरल, तो नॉट अ नेचुरल, तो आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन टू, फर्स्ट का आंसर है बी, सही आंसर है एक्वेरियम। फिर टू नंबर, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट। ठीक है, ह्यूमन एनवायरमेंट का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? ए लैंड, बी रिलीजन, सी कम्युनिटी। ठीक है, ह्यूमन एनवायरमेंट का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? लैंड मतलब जमीन, रिलीजन मतलब धर्म, और कम्युनिटी मतलब आपकी जो जात है, मतलब आपका जो ग्रुप है। तो ह्यूमन एनवायरमेंट में क्या नहीं आता है? तो देखो, रिलीजन भी हमने बनाई है, कम्युनिटी भी हमने बनाई है, ये एक फीलिंग है। ठीक है, मतलब रिलीजन दिखती नहीं है, धर्म है, कम्युनिटी भी साथ है। ठीक है, लैंड, लैंड एक जगह है, मतलब लैंड का मतलब लाइफलेस, मतलब जो लाइफलेस जगह होती है, दैट इज लैंड, तो ए लैंड। थ्री, विच इज अ ह्यूमन मेड एनवायरमेंट, ह्यूमन द्वारा बनाया गया एनवायरमेंट कौन सा है? ए माउंटेन, बी सी, सी रोड। तो ह्यूमन मेड, ह्यूमन में क्या बनाया है? तो देखो, माउंटेन तो पहाड़ है, वो तो पहले से ही बने हुए हैं। फिर बी सी, तो सी तो मतलब सी समुद्र, नदी, ये तो मतलब पहले से ही है, मतलब सी रोड, रोड हमने बनाए हैं, तो सी सही आंसर क्या है? सी रोड। फिर फोर्थ, विच इज थ्रेट टू एनवायरमेंट, थ्रेट मतलब खतरा, एनवायरमेंट को किस चीज का खतरा है? तो ए ग्रोइंग प्लांट, बी ग्रोइंग पॉपुलेशन, सी ग्रोइंग क्रॉप्स। ग्रोइंग प्लांट, प्लांट तो अच्छी बात है, वो कैसे खतरा हो सकता है? बी ग्रोइंग पॉपुलेशन, हमारी बढ़ती हुई आबादी, हाँ सही बात है, बी ग्रोइंग पॉपुलेशन, हमारी बढ़ती हुई आबादी ही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्वेश्चन थ्री, मैच द फॉलोइंग, मैच करो इनको, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के साथ किसको मैच करोगे? वन बायोस्फीयर है, उसका करेक्ट आंसर है ई, नैरो जोन वेयर लैंड एंड वाटर, लैंड वाटर एंड एयर इंटरैक्ट। ठीक है, लैंड वाटर और एयर जहाँ इंटरैक्ट करते हैं वो बायोस्फीयर। फिर टू, एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर का सही आंसर क्या है? ए ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। थर्ड, हाइड्रोस्फेयर, तो हाइड्रोस्फेयर का सही आंसर क्या है? बी डोमेन ऑफ वाटर। फिर फोर्थ, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का सही आंसर क्या है? डी, जिसका मतलब है अवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो ए का, वन का आंसर ई है, सेकंड का आंसर ए, थर्ड का आंसर बी, और फोर्थ का आंसर डी है। अच्छा, क्वेश्चन फोर, गिव रीजंस। ठीक है, हमें गिव रीजन करना है। फर्स्ट, मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरमेंट, इंसान अपना एनवायरमेंट मॉडिफाई करता रहता है, चेंज करता रहता है, तो क्यों चेंज करता रहता है? रीजन क्या है? रीजन देने बोल रहा है, तो क्वेश्चन फोर की रीजन लिखती हूँ मैं। आपने ये क्वेश्चन, इसका आंसर तो अच्छे से देख लिया ना, मैं अभी बस ये रफ कर रही हूँ, देखो मैं साइड हो रही हूँ। ठीक है, आप ये अच्छे से देख लो, तो फिर मैं रफ कर दूँ। ठीक है, तो आपने देख लिया, अभी हम ये खाली दो रीजन के लिए मैं मिटा रही हूँ, मुझे सिर्फ बाकी सब तो मैंने आपको ओरली बता दिया। ठीक है, सिर्फ दो रीजन के लिए मैं मिटा रही हूँ बोर्ड। ये रीजन में क्या है? पहला क्या है? क्वेश्चन फोर का रीजन, क्वेश्चन फोर का रीजन क्या है? फर्स्ट नंबर, मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरमेंट, जो इंसान है वो अपना एनवायरमेंट बदलता रहता है। क्या आंसर है उसका? बिकॉज ही वॉन्ट टू फुलफिल हिज नीड्स एंड मेक हिज लाइफ कम्फर्टेबल। क्यों इंसान अपना एनवायरमेंट घड़ी घड़ी बदलता रहता है? क्योंकि उसको अपनी जरूरतें पूरी करनी होती है। ही वॉन्ट टू फुलफिल हिज नीड्स
एंड मेक हिज लाइफ कंफर्टेबल, उसको अपनी लाइफ आरामदायक बनानी होती है। तो क्वेश्चन फोर का वन, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू फुलफिल हिज नीड्स एंड मेक हिज लाइफ कंफर्टेबल। सेकेंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। रीजन, बिकॉज प्लांट रिलीज ऑक्सीजन दैट एनिमल ब्रीथ। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंट हैं? तो आपको पता है प्लांट्स क्या रिलीज करती हैं? ऑक्सीजन। प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन की जरूरत किसे पड़ती है? हम लोगों को। और हम लोग क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और उस कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत किसे पड़ती है? प्लांट्स को। ठीक है, प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है ना, और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो इसके मतलब हमें जो चीज चाहिए वो प्लांट्स हमें देते हैं, और प्लांट्स को जो चीज चाहिए वो हम उन्हें देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। हम दोनों क्यों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है? तो यही सबसे बड़ा कारण है, बिकॉज प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन दैट एनिमल्स ब्रीथ। प्लांट क्या करते हैं? प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो मतलब प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है, प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं तो वो किनको काम आती है? एनिमल्स को। तो एनिमल्स सांस लेते हैं एंड एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, एंड एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड दैट एनिमल रिलीज। देखो, प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो एनिमल ब्रीथ करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं जो एनिमल्स रिलीज करते हैं। एंड प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन दैट एनिमल्स ब्रीथ, एंड एनिमल्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड ओ, एंड प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन दैट एनिमल रिलीज। ठीक है, प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन कौन यूज करते हैं? एनिमल्स। एनिमल्स का मतलब इसने क्या बोला, प्लांट्स और एनिमल्स वर्ड यूज किया है ना। हाँ, मतलब जो एनिमल्स सांस लेते हैं वो प्लांट्स देते हैं, और प्लांट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं वो कौन देते हैं? एनिमल्स। ठीक है, तो हमने यही ये जो चैप्टर है हमारा आज पूरा हुआ। ठीक है, तो ये चैप्टर आप पूरा मेरे को अच्छे से लिख के मेरे को व्हाट्सएप करिएगा। आपकी ये जो एक्सरसाइज है बुक की, जो आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है, आप भले मेरे को टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करके वहीं उसी का ही आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, कोई बात नहीं। आपको नोटबुक में नहीं लिखना हो तो आप मत लिखना, आप मुझे आपकी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करके वही मेरे को व्हाट्सअप कर देना। ठीक है, चलें, थैंक यू।